किताबें तो बढ़ गई हैं हमारे वक्त में इतनी ज़्यादा किताबें और शायद बच्चे अब हमसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं हम उस वक्त में टेक्नोलॉजी वाइज या पढ़ाई की अंबार जो है अब लगा हुआ है लेकिन एक चीज़ जो अब थोड़ी उसमें तंजली आई है और कमी आई है वो किरदार की साइड पे कि इस पे ज्यादा जोर नहीं है hmm. बस ये है कि अच्छी डिग्री लो अच्छे तालीम और नौकरी hmm. लो और बस आप समझ गए कि बस यही जिंदगी का नस्ब है देखिए आप कितने भी अच्छे डॉक्टर बन जाएं इंजीनियर बन जाएं कुछ बन जाएं लेकिन अगर, अगर अच्छे इंसान अच्छे नहीं है किरदार ठीक नहीं है तो कई कई डॉक्टर इसलिए शहरत याफ्ता है या बड़ा लालची डॉक्टर है जी बड़ा कमीना डॉक्टर तो उस डॉक्टरी का या उसका क्या फायदा वो सो so, आपको एक अच्छा इंसान होना वो कहीं भी आप चले जाएंगे तो वो फ़ायदा मंद होगा और अगर अच्छे इंसान नहीं है नहीं। और कितनी भी बड़ी उहदे पे चले जाएंगे आप से आज़ार होंगे से मुसीबत होंगे और लोगों के लिए एक एक नाराज़गी का बायस होंगे सो so, स्कूलों को आ, इस पर और ज़्यादा जोर देना चाहिए माँ बाप को देना चाहिए मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि आप करदार Uh, साजी कैसे कर सकते हैं mm. देखिए तीन चार अबलाग हैं या तौर तो तरीके हैं mm. सबसे पहले तो बच्चे का नशो और उसके शुरू के आयाम शुरू के साल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। mm. हैं जितने सकेट्रिस्ट mm. हैं वही कहते हैं पहले पांच सात साल में बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाती है बन हम बन समझते हैं। है। नहीं अभी तो इसको समझ ही नहीं आए ये खेल सो माँ बाप का मोहब्बत मिलना उसका केयर hmm. और अफेक्शन मिलना hmm. पहले तो वो सबसे बड़ी नर्सरी hmm. तो माँ है बिल्कुल सो so, माँ बोली मिलना hmm. उसकी अच्छे आ, किस अंदाज से माँ बाप बात करते hmm. हैं धीमे हैं या hmm. या बिल्कुल उनका कृत लहजा hmm. है वो बाकी से कैसे ट्रीट करते हैं अपने मुलाजमों से कैसे बोलते हैं बाहर आए हुए फ़क़ीर से कैसे बात करते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। आ, सो आ, ये सारी चीज़ें किसी को क्या खिलाते पलाते हैं गर्म जोशी कैसे है मेहमान नवाजी कैसे है खंदा पेशानी कैसे है तो माँ बाप के बाद आपका स्कूल जो है नहीं नहीं शुरू से ही होता है तो वो स्कूल उसके और आपके दोस्त आपने कैसे चुने बनाए ये सब बड़ा इन्फ्लुंस करते हैं जी